हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मिल्क केक की रेसिपी, जो कि बहुत ही दानेदार बनता है। और इसको हम मिल्क पाउडर से बनाएंगे, बहुत ही कम सामान में, सिर्फ 3 चीज़ों से बनाएंगे इसको। देखिए कितना आसान रेसिपी है और बहुत ही लाजवाब, एकदम सॉफ्ट बनती है ये। और अभी फेस्टिवल सीजन आ रहा है, तो आप इसको कई दिन पहले बना के और रख सकते हो और इसका मज़ा ले सकते हैं कई दिन तक। और बहुत ही लाजवाब रेसिपी बनती है ये, और आसान इतनी है कि फटाफट से बन जाती है। तो देखिए, तो आइए चलो इसकी रेसिपी बताती हूँ मैं। तो मिल्क केक के लिए देखिए, हम इसको मिल्क पाउडर से बनाएंगे। तो उसके लिए देखिए, मैंने ये 1 किलो दूध लिया है। अब इसको मैंने अच्छे से बॉईल किया है और मलाई वाला दूध चलेगा इसमें। तो ये देखिए, मैंने मलाई वाला दूध लिया है, तो इसमें ऊपर भी मलाई आ रही है। अब इसमें क्या करेंगे, ये हम लेमन फूल होते हैं ना, ये वो डाले मैंने इसमें, नींबू का सत बोलते हैं उसको। तो इससे देखिए तुरंत फट जाता है। अब फटेगा तो इसके दाने दाने निकलेंगे। अब क्या करूँगी मैं, इसमें 1 कटोरी के करीब चीनी डाल दूँगी। चीनी हम पहले भी डालेंगे और बाद में भी डालेंगे, तो इससे क्या बॉइंडिंग सी रहेगी इसमें। तो इसको चलाते रहना है हमें। अब क्या करूँगी मैं, ये 1 कटोरी के करीब मिल्क पाउडर है, इसको मैंने चलनी से छान लिया डायरेक्ट ही इस तरह से, ताकि इसमें गिठाने नहीं रहे, अच्छे से घुल जाएगा ये। तो ये देखिए, अब इसको डालते ही गाढ़ापन आ जाएगा इसमें, अच्छे से इस तरह से चलाते रहेंगे इसको हम। देखिए आ रहा है ना गाढ़ापन, तो इसको हमें और 15-20 मिनट और पकाना है। जब तक अच्छा गाढ़ापन नहीं आएगा तब तक चलाते रहना है इसको। इस तरह से बीच बीच में चलाना लगना नहीं चाहिए ये, इस तरह से। देखिए 20 मिनट बाद ये इतना हो गया, अभी और भी इसको गाढ़ा करना है हमें। सावधानी यही बरतनी है कि इसको चलाते ही रहना, नहीं तो ना अब लगने का डर रहेगा, तो इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। अब इसमें मैंने देखिए आधा कटोरी चीनी और डाल दी। चीनी डालने के बाद ये थोड़ा और पतला होगा, उसके बाद में और पकाना है इसको हमें। तो 20 मिनट के करीब और पकाया मैंने इसको। अब इसमें इलायची पाउडर डाल दिया, ये ऑप्शनल है, आप डालो तो आपको अच्छा लगे तो डाल सकते हो, नहीं तो स्किप कर सकते हो। अब बस इस देखिए, बिल्कुल भी नहीं हटाना अपना, चलाते ही रहना है। देखिए अब इसमें गाढ़ापन आने लग गया, इस तरह से मैश कर करके ये दाने भी हमें पतले करने हैं इसके मिल्क केक के, इस तरह से। अब ये देखिए, अभी करीब करीब ये हमारा मिल्क केक तैयार है। अब क्या करेंगे हम, इसमें 1 चम्मच के करीब घी डाल देंगे। घी डालने से सॉफ्ट भी होंगे और एक हल्की सी शाइन भी आएगी, और लगना नहीं चाहिए। बस इसको अब गैस बंद करके, अब एक बर्तन में मैंने ग्रीस कर लिया, घी लगा लिया उसमें, अब इसको उसमें डाल देंगे। ये देखिए अब इसको अच्छे से सेट कर लेंगे इसमें चम्मच की सहायता से, सब तरफ बराबर बराबर हो, इस तरह से। देखिए तो ये देखिए मैंने सेट कर दिया है अच्छे से। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं।
करीब मैंने आधा घंटे बाद देखिए इसको रख दिया। अब देखिए बिल्कुल जम के तैयार हो गया। अब इसको आप अपने मनपसंद आकार में काट सकते हैं। वैसे नॉर्मल इसी तरह से काट इस तरह से काट लेंगे और कलर भी कितना अच्छा आया है इसका, देखिए बिल्कुल मार्केट जैसा। आप चाहो तो इस पर चांदी की वर्क भी लगा सकते हो, और मार्केट से तो कहीं ज़्यादा टेस्टी बनता है ये, और बिल्कुल शुद्ध मिठाई घर में ही बन जाती है। तो ऊपर से मैंने इसमें थोड़े से पिस्ता बादाम भी डाले, आप ना डालना चाहो तो डाल सकते हो वरना स्किप कर सकते हो। अब ये देखिए कितना सॉफ्ट और दानेदार बनाया, मैं आपको देख तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा बनाया, ये बहुत ही टेस्टी बनाया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर